नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह और शनिवार का दिन, बाजार बंद है लेकिन हम आपके साथ मौजूद है। कारण अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कई वजहों से। आज आएंगे शाम को एग्जिट पोल के नतीजे, उससे कहीं ना कहीं सोमवार को बाजार की दिशा जो है बदलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा 4 तारीख को जो है हम देखेंगे कि चुनाव के असली नतीजे सामने निकल करके आएंगे। इसके अलावा RBI की पॉलिसी है, इसके अलावा हमने देखा GDP के नंबर आए हैं। तो इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, ऐसे में हमने सोचा कि इस वीकेंड पे आप लोगों के साथ मिल करके अगले हफ्ते की जो रणनीति है वो तैयार की जाए और किस तरीके से बाज़ार की दिशा रह सकती है उसका निर्धारण किया जाए। और इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनेंगे हम आप सबके चहेते अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बाज़ार विशेषज्ञ, बाज़ार को बहुत नज़दीकी से परखते हैं फंडामेंटल आधार पर, तकनीकी आधार पर, और IPO बाज़ार के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आज शनिवार के दिन आपको परेशान किया और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सबसे पहले तो सर, अगले हफ्ते से क्योंकि बहुत सारे इवेंट हो गए, GDP के नंबर आ गए, एग्जिट पोल के नतीजे आज शाम को आएंगे, 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, RBI की पॉलिसी आएगी, इन सब के बीच में बाजार को कैसे आंक रहे हैं आप? विपुल जी, 2 मिनट लूंगा आपका जी, एक जी। पूरा का पूरा एक जो कहते हैं चक्रव्यूह में लोगों को शामिल करने के लिए। मेरे ख्याल से आज जो एग्जिट पोल 6 बजे के बाद जो शुरू होंगे उसके बाद में आम निवेशक और कंफ्यूज हो जाएगा कि चुनाव किस तरीके से ये मंगलवार को उभर कर आएगा। मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं आएगी और दो तरफा एक व्यू बनेगा। कुछ कहेंगे कि मौजूदा सरकार वापस आएगी, कुछ कहेंगे मिली जुली सरकार बनेगी, कुछ कहेंगे कि क्लैरिटी नहीं है। ये देखकर बाजार सोमवार को और ज्यादा वोलेटाइल होगा और झटके सोमवार को बाजार में आए ऐसा मेरी धारणा है, ऐसा मेरा मानना है। मंगलवार को 11 बजे तक, ये मैं एक सिर्फ 2-2.5 घंटे का समय ले रहा हूं कि 11 बजे तक एक रुझान आने का समय लगेगा क्योंकि काउंटिंग में कुछ समय लगता है। 11 बजे के बाद ट्रेंड स्पष्टीकरण होगा, लेकिन मंगलवार का दिन भी काफी वॉलेटाइल रहेगा। तो निवेशकों से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपके पास में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनको आप फंडामेंटल बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर चुके हैं, उनमें अगर आपको शार्प वॉलेटाइल मूवमेंट सोमवार को देखने को मिलता है तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको कोई भाव किसी शेयर का नीचे दिखा उसमें निवेश न करें, क्योंकि आप उस शेयर को जानते नहीं है, उसकी चाल नहीं जानते और सोमवार काफी वॉलेटाइल दिन रह सकता है। ठीक, तो सोमवार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, एग्जिट पोल के बाद हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ता हुआ दिखाई दे। इस बीच बहुत सारे टिप्पणियां, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। JL जैन साहब कह रहे हैं, अरुण केजरीवाल जी का एनालिसिस सबसे सुपर होता है, स्क्रिप्ट दमदार बताते हैं। ये तो बात है सर कि जो जैन साहब कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन आपका काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और कल मैं आपको याद कर रहा था जब मैंने देखा कि जुपिटर वैगन जो है वो 600 के भी पार निकल गया है। क्या आपने, मतलब मुझे लगता है 270-270 के आसपास आपने शायद रिकमेंड किया था मनी नाइन पर, और उसके बाद से अब 600 यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा भाग चुका है ये शेयर। पहली टिप्पणी तो इसी पर जानना चाहेंगे, कैसे आपने इसको आंका और इतने रिटर्न के बाद क्या यहाँ प्रॉफिट बुक करें या अभी इसकी चाल आप कंटिन्यू देख रहे हैं? क्या हुआ कल कि 6% भाग गया ये शेयर? देखिए, कंपनी जो प्रदर्शन कर रही है, कल इसकी एक EV की सब्सिडियरी एक कामकाज शुरू करी है और आगे, और ये एक छोटे EV के फास्ट चार्जिंग के व्हीकल बनाएगी, ये इसने काम चालू किया है। तो जहां तक कंपनी का सिलेक्शन का सवाल है, मुझे ये कंपनी 100 रुपए के आसपास अच्छी लगी थी। मैंने चेष्टा की कि प्रमोटर से मिलूं, मिलना हुआ नहीं, संजोग समझिए, जो भी समझिए। फिर उनसे कलकत्ते जाकर मैं मिला,
और उसके बाद में ये समझ में आया कि कंपनी के प्रमोटर का विजन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और उनका 3 साल का नजरिया कंपनी के ऊपर कि वो इस कंपनी में क्या करेंगे। मैं जब कंपनी के निवेशक कंपनी में निवेशक के हैसियत से मिलता हूं, तो मुझे अगले 6 महीने में मुनाफा क्या होगा नहीं होगा उसमें कोई रुचि नहीं होती है। मुख्य सवाल प्रमोटर से ये होता है कि आप इस कंपनी में नया आवेश निवेश कितना करने वाले हैं, जी आप इस कंपनी में किस तरह से इसकी ग्रोथ करना चाहते हैं। और दूसरी जो बहुत अहम चीज होती है, बॉडी लैंग्वेज। आप जब प्रमोटर को सवाल पूछते हैं तो उनकी क्या वो जो कहते हैं अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या वो दिल खोल कर बात करते हैं, ये कुछ चीजें ऐसी है जो 25-30 साल में एक तरह से परफेक्शन हुआ है, जी और इससे बहुत कुछ कंपनी के बारे में जानकारी एक मीटिंग में मिल जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो है जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, और वो कह रहे हैं कि थैंक यू सर जी आज प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, मैं आपका प्रोग्राम डेली शाम को देखता था लेकिन आज मैं लाइव देख पाऊँगा। और इस बीच और भी दर्शक हैं हमारे, हर्षित चौहान जी हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जिंदाबाद। तो बहुत सारे दर्शक आपको जो है पसंद करते हैं, और आज वीकेंड है तो लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ जो है कर रहे हैं आपकी। तो सारी टिप्पणियां तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ कमेंट आते आते हैं, लेकिन नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। नीलेश जी को नमस्कार, कैसे हाँ नमस्कार सर, हैं नीलेश जी, एक कहाँ से सवाल है, बोल रहे हैं? मेरा सवाल है, मेरे पास कैपिटल 2.5 लाख रुपए, 5 स्टॉक बताइए, उनमें 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप कितना पैसे लगाने चाह रहे हैं? 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए आप बाजार में लगाना चाह रहे हैं। अभी लगाना चाहिए कि नहीं ये तो पहले पूछ लें, उसके बाद से हाँ पाँच वही छः। सर, जी, सर अब बड़े इवेंट जो है बिल्कुल कगार पे हैं, 2.5 लाख रुपए इन्होंने अपने रखे हुए हैं। कुछ ऐसे शेयर हैं क्या जहाँ पे आपको लग रहा है कि, या फिर आप सरकार बनने के बाद ही निर्णय लेंगे अभी नतीजे आने के बाद? देखिए शेयर शेयर जो है अच्छे शेयर अच्छे रहेंगे, लेकिन क्योंकि 2 दिन काफी महत्वपूर्ण और वॉलेटाइल रहेंगे, जी मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि आप 1 सप्ताह रुक जाइए, हो सकता है बाजार में थोड़ी तेजी आ जाए और आपको थोड़ा महंगा लेना पड़े, लेकिन आपको बेहतर स्तर क्लैरिटी और कम वॉलेटिलिटी का एक मौका मिलेगा। ये 2-3 दिन जो है काफी खतरे से भरे दिन है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो इस समय आप निवेश न करें। अगर कहीं पे भी कुछ गलती या चूक हो जाती है तो ये 2.5 लाख में से मालूम पड़ेगा कि 10-15% चले गए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते हम फिर निवेदन करेंगे अरुण सर से कि वो अपना समय दें, तो जब वो आएंगे तो और 1 हफ्ते बाद थोड़ा बाज़ार ठंडा भी हो जाएगा, जो बड़े इवेंट हैं गुजर जाएंगे, उसके बाद ही पैसे आप अपने लगाने की सोचें, ये आपके लिए सही रहेगा। चलिए, तुषार पॉल चौधरी जी का सवाल है, कह रहे हैं सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम कोलकाता। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खूबसूरत जगह है कोलकाता, और इनको ने कहा है कि इन्होंने HL जो है 4050 पे लिए हुए हैं, और मझगांव डॉक इन्होंने लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं 845 रुपये के भाव पर। दोनों में ही इनका लंबी अवधि का नज़रिया है, एचएल में तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनको क्योंकि 5000 के ऊपर ये शेयर निकल गया था, और अभी अगर हम देखें 5011 के आसपास चल रहा है, 4050 पे लिए हैं तो 1000 रुपये पर शेयर का मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। मझगांव डॉक भी काफ़ी शानदार रैली दिखाई है, और अभी 3179 पे ट्रेड करता हुआ, और जो इनकी खरीद है वो खरीद है इनकी 845 की, इनकी खरीद है 2845, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में ही है। तो क्या अभी बने रहें या सोमवार को एक बार के लिए एग्जिट कर लें सर? देखिए मैं अक्सर ट्रेडिंग की बात नहीं करता, जी लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सोमवार एक दिन है जहां पर अगर आपको बाजार में कमजोरी दिखे आज के एग्जिट पोल के बाद में, तो आप इन शेयर में थोड़ा मुनाफा करके कहीं पर भी जहां पे आप कंफर्टेबल हो उतने 200-250 रुपए नीचे लेने को भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी एक कॉस्ट जो है कुछ कम हो सकती है। लेकिन ये अगर आप
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के जो कहते हैं इच्छुक हैं, अगर आप नहीं हो तो 2 दिन और शांति से बैठे रहिए, आपको कुछ भी जल्दबाजी करने में करने की मैं सलाह नहीं देता। जी बिल्कुल, तो ये सलाह यहाँ पे निकल करके आती हुई। और इस बीच हर्षित चौहान जी की एक टिप्पणी आई है और काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। कह रहे हैं कि अरुण जी, दो तीन रीडिंग सोर्सेज बताइए एवरीडे फाइनेंस इन्फॉर्मेशन के लिए। ओवरऑल इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट आपस में कैसे रिलेट करते हैं? आज वीकेंड क्लास लगा दीजिए हम लोगों की। तो वो समझना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें खुद पढ़ना हो, किस तरीके से देखा जाए, पढ़ा जाए बाज़ार को, वीकेंड पे आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप कैसे सुबह उठ करके अपनी तैयारी करते हैं। तो वो समझना चाह रहे हैं सर, क्या कुछ सजेशन देंगे आप ऐसे लोगों को जो लोग रिसर्च करके रणनीति बनाना चाहते हैं? हर्षित जी का बड़ा अच्छा सवाल है, और क्योंकि आज बाजार चालू नहीं है, आज वर्किंग डे नहीं है, सभी के पास कुछ समय एक्स्ट्रा होता है। सबसे पहले सुबह उठकर मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में रात को क्या हुआ वो देखता हूँ, उससे थोड़ी एक समझ लेता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले 5, 7, 10 दिन से लगातार डाउ जोन्स में कमजोरी देखी जा रही थी। 4,000 का डाउ जोन, माफ कीजिएगा, 40,000 का डाउ जोन्स देखते देखते 38,000 आ गया। कल अचानक घटने के बजाय 500 पॉइंट ऊपर हो गया। अब इससे आपको एक जो कहते हैं मन में सवाल आता है, क्या हुआ? फिर आप कुछ साइट्स देखते हो जो अमरीकी बाजार के बारे में बात करती है, उससे आप समझना चाहते हो कि क्या हुआ। इसी तरह जब आप भारतीय बाजार देखते हो तो बाजार बंद होने के बाद में आपको कई सारे साइट्स इंफॉर्मेशन देती है, आज बाजार में क्या हुआ, क्या बढ़ा, क्या घटा, जिससे आप एक अंदाजा लगाते हो कि आज के बाजार का मुख्य सारांश क्या था। ऐसे कई सारे साइट्स हैं जो आप इंडिविजुअली देखकर, न्यूज वाले साइट्स देखिए, जो ज्यादा व्यूज देते हैं उनसे मैं थोड़ा सा प्रभावित नहीं होता, बट जो आपको न्यूज और फैक्ट देते हैं जी वो देख के समझना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि तो आपको न्यूज फ्लो चाहिए, न कि उनकी उनके ऊपर व्यूज, बिल्कुल क्योंकि तो व्यूज तो आप भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे थोड़े बहुत साइट्स देखकर, कई कई अंतर्राष्ट्रीय पेपर अगर आप पढ़ना चाहें, सब आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो हर्षित जी, उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। व्यूज़ पर मत जाइए, न्यूज़ पर जाइए, क्योंकि व्यूज़ बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खबर को खुद एनालाइज करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप किसी से प्रभावित नहीं होंगे, खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। हो सकता है कभी कुछ गलती हो तो उससे आप सीखेंगे भी। चलिए, हमारे साथ रविंदर जी जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक यदुवेंद्र जी हमारे साथ है। यदुवेंद्र जी नमस्कार। यदुवेंद्र जी नमस्कार। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। जरा उनका सवाल ले आइए स्क्रीन पर, ताकि बाकी दर्शकों के सवाल भी फिर हम फटाफट लेते रहें। तो इनका सवाल यदुविंदर जी का ये है, सोना मशीनरी के आईपीओ अलॉटमेंट में 1,000 शेयर मिले थे इनको, उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं, और अभी भी इनके पास शायद ये मौजूद है शेयर। तो सर, ट्रैक करते हैं क्या आप सोना मशीनरी को? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है। हालांकि 0.2% के आसपास की गिरावट शुक्रवार को रही थी, 146 147 के आसपास चल रहा है, वॉल्यूम थोड़े कमी है। अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो ठीक है, वरना फिर अगले दर्शक के पास चलते हैं। ये मेरे ख्याल से एसएमई शेयर है, जी और एसएमई में मेरी मेरा ध्यान कम रहता है, ठीक, तो मुझे आइडिया नहीं है ये शेयर के बारे में, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। चलिए सर, कोई बात नहीं। और जो है इस बीच आगे चलते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर जो है अनरिंदम जी का सवाल है, और इनका पास सवाल इनका है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। कह रहे हैं, राम राम विपुल जी और केजरीवाल जी दोनों को, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1,250 शेयर ले रखे हैं 78 के भाव पे, अभी क्या करें? इनका नज़रिया 6 महीने का है। इस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के, क्योंकि शेयर में गिरावट जो है देखने को मिली है, और हालांकि इनकी खरीद देखें तो उतनी दूरी पर नहीं है,
अभी 76-65 के आसपास शेयर चल रहा है और इनकी खरीद 78 के आसपास की ही है, तो अभी क्या नज़रिया होना चाहिए? क्योंकि अगर हम इस शेयर को देखें तो एक महीने में करीब 6% करेक्ट हुआ है, पिछले 6 महीने में करीब 11% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, पूरे साल भर में महज 5% चला है, आपकी राय क्या रहेगी? तो देखिए, बैंक अच्छी है, प्रदर्शन ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा है, लेकिन इस शेयर को बाजार ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। हो सकता है कि BFSI स्पेस में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो निवेशक को मोहित करके उनके तरफ खींच लेता है। मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड कीजिए, इम्पोर्टेंट दिन दो हैं बाजार के लिए, उसके बाद रणनीति बुधवार के बाद नई बनाइए कि किस बैंक में आपको निवेश करना है, इसे होल्ड करना है या इसे निकल इसमें से निकलना है, क्योंकि तो मुझे लगता है मंगलवार के बाद बुधवार का एक काफी महत्वपूर्ण दिन होगा बाजार के लिए, ये तय करने के लिए कि आने वाले समय में बाजार किस तरीके से उनका प्रदर्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ अब सचिन चौहान जी जुड़ चुके हैं, सचिन जी से बातचीत करते हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सचिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, सहारनपुर से आप बोल रहे हैं, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, मेरे पास IRFC के 800 शेयर है 32 रुपए के हिसाब से, मैंने 2 साल से होल्डर रखे हैं, तो मुझे थोड़ा नजरिया चाहिए। 32 रुपए, चलिए पहले तो बहुत 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 शुभकामनाएं आपको कि आपने 32 रुपए में लेके जी। मेरे पास 1500 शेयर थे, वैसे मैंने कुछ अभी सेल कर दिए हैं, कुछ फंड रेज करना था मेरे को। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, मुनाफा बांधना भी चाहिए समय समय पर, लेकिन वाकई में बहुत अच्छे मुनाफे पे आप हैं और आपको तो मिठाई खिलानी चाहिए हम लोगों को कि इतने अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है। जी जी, 178 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, आपने 32 पे लिए हैं, अभी और कितना होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं अभी मेरे को 2 महीने तक होल्ड रख सकता हूँ। 2 महीने क्लियर होल्ड रख रखा है कि नई सरकार आएगी तो कुछ हो जाएगा। चलिए नई सरकार तक का इंतजार कर रहे हैं और इसी उम्मीद पे सर ये बने हुए हैं और 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, 32 पर लेकर के 180 का भाव अब पहुँच गया है, तो अच्छा खासा मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है और 2 महीने और होल्ड कर सकते हैं। क्या यहाँ इर्द गिर्द जो है चुनाव के इर्द गिर्द इनको मुनाफा बांधना चाहिए या फिर जो इन्होंने सोचा हुआ है कि जब सरकार आएगी तो रेलवे शेयरों में शायद और तेजी देखने को मिले तो इनको होल्ड करना चाहिए? सर देखिए, जो मौजूदा सरकार है उनके जो 10 वर्ष कार्यकाल रहा है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो शेयर हैं, जो कंपनियां हैं, उनमें बहुत शानदार रैली हुई है। इसी के पहले जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की शेयर है या कंपनियां हैं उनमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल से 2 दिन इनको वेट करना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि इन्हें क्या करना है IRFC में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं सरकार पर, बट मान लीजिए अगर जैसे हर तरह की अफवाह बाजार में चल रही है, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मौजूदा सरकार की स्थिति अच्छी नहीं रहती है चुनाव के बाद में, तो शायद सार्वजनिक क्षेत्र की शेयरों में काफी बड़ी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि NDA की सरकार में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा। तो 2 दिन के बाद आप रणनीति अपनी किस तरीके से बनानी है वो तय कीजिए, क्योंकि एक बार जब क्लैरिटी हो जाएगी तो निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। अगर मान लीजिए मौजूदा सरकार रिपीट नहीं होती है तो फिर हो सकता है PSU शेयरों में दबाव देखने को मिले, तो एक कोई स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि आपको एग्जिट करने में आसानी हो और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। वितु राय जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं सर, कह रहे हैं विपुल सर अरुण सर को नमस्कार, अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो क्या पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर लेना सही निर्णय होगा? सबके सवाल इसी तरीके के हैं क्योंकि अभी आज राजनीतिक दिन भी है, शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, तो सवाल भी हम वैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि मतलब सही दिशा में इस कार्यक्रम को लेकर के जाएं। सर विपुल जी एकदम सही इनका सोचना है, मेरे ख्याल से सरकार के आने या न आने से
पोर्टफोलियो के ऊपर में काफी गहरी विमर्श करने की विचार विमर्श करने की जरूरत होगी, क्योंकि नई नई सरकार क्या करना चाहती है, क्या उसकी रणनीति है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा। तो मेरे ख्याल से एक बुधवार का दिन नहीं बट कई दिन निकल जाएंगे जिसमें कि ये रणनीति तय होगी कि नई सरकार क्या करना चाहती है। मान लीजिए यही सरकार आती है लेकिन इसके जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम आते हैं तो भी सरकार की रणनीति में बदलाव दिखेगा और उसको सोचकर आपको आपके पोर्टफोलियो में भी बदलाव लाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से लानी पड़ेगी। तो ये काफी अहम सवाल है और मेरे ख्याल से आज आपने जो एक मौका दिया है ये प्रोग्राम में लोगों को ये बताने का, ये एक बहुत अच्छा काम आपने पूरा किया। शुक्रिया सर, हम तो बस आपको फॉलो कर रहे हैं सर, सुझाव आपका था, हमने तो खाली इम्प्लीमेंट किया है। ये सुझाव आपने ही कार्यक्रम के दौरान दिया था तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से, और तमाम दर्शकों की टिप्पणियां उस पर आई कि अरुण जी का सुझाव बहुत अच्छा है और शनिवार को आपको कार्यक्रम करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप मेहमान बनना स्वीकार कर लेंगे तो फिर जो है इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करते हैं। सर, चूंकि सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, कल परसों में 2-3 दिन पहले एक CLSA की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि अगर NDA सरकार की वापसी होती है तो ये शेयरों पर जो है काफ़ी पॉजिटिव असर रहेगा। जरा स्क्रीन पर ले आइए वो जरा ग्राफिक्स और उसके बाद से अरुण सर से उस पर टिप्पणी लेते हैं। उनमें जो शेयर बताए गए हैं CLSA की तरफ से, हालांकि उसमें PSU पर काफ़ी जोर रहा है और उसमें लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी लेकिन हमने उसको कट शॉर्ट करके 6 शेयरों पर लेकर के आए हैं। उसमें NTPC है सर, NHPC है, ONGC है, IGL है, L&T है और महानगर गैस लिमिटेड है। मैं चाहूँगा कि इन शेयरों पर अगर आप छोटी थोड़ी टिप्पणी कर दें कि अगर मैं अभी भी अगर कह रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो जिनके पास हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो लोग अभी भी खरीदारी करना चाहें तो क्या ले सकते हैं। NHPC में हमने काफ़ी अच्छा एक मूव देखा जो है शुक्रवार के दिन और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और अब ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको मजबूती से तोड़ करके 108 तक पहुंचा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी, अगर आप ये शेयर की जो लिस्ट आपने छाट कर एक बड़ी लिस्ट में से निकाला है उसमें अगर आप देखें तो पहली कंपनी है NTPC जो पावर क्षेत्र में है, फॉसिल फ्यूल ये कोल फायर्ड प्लांट्स लगाती है और देश में सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। NHPC रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी कंपनी है, ये फोकस रिन्यूएबल एनर्जी करती है। शुरू में ये सिर्फ हाइड्रो करती थी, अब ये सोलर भी करती है, विंड में भी ये गई है, ये भी ऊर्जा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ONGC फॉसिल फ्यूल की उत्पादन कंपनी है, इसके पास में भारत में और भारत के बाहर भी एसेट्स है जिससे ये तेल उत्पादन करके भारत को कुछ हद तक जिसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट करने की चेष्टा कर रही है। IGL और MGL भारत को जो ग्रीन एनर्जी करने की जो बात चल रही है, जो ये गैस को यूज करके जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो या उसका उत्पादन न हो, उसके लिए इनिशिएटिव है और ये दो बड़ी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में जो पाइप नेचुरल गैस, जो गाड़ियों के लिए स्कूटर के लिए जो गैस वितरित करती है और उसके ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है। और L&T एक वेल डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कई सारे प्रोजेक्ट्स में फिलहाल मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी लिस्ट है और मान लीजिए मौजूदा सरकार वापस आती है तो ये 6 के 6 कंपनी में अगर आप निवेश करते हो, 1 साल का नजरिया रखते हो, तो 15-20% की आपको एक वृद्धि मिले, ऐसा मेरा मानना अवश्य रहेगा। चलिए, तो अगर रिजल्ट देखिए, अगर ये सरकार वापस होती है तो इन 6 शेयरों में आपको अच्छे रिटर्न, साल के जो है 15-20% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और जो लोग पहले से निवेशित हैं उनको भी फिर बने रहना चाहिए, उनके रिटर्न तो और ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही एक अच्छी रैली यहाँ पर आ चुकी है। चलिए, इस बीच हमारे साथ नीलेश जी जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। नीलेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं नीलेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर सतना से बोल रहा हूँ, सतना मध्य प्रदेश। सतना मध्य प्रदेश से, बहुत अच्छी जगह है सर। गर्मी कैसी पड़ रही है सतना में इस समय?
गर्मी डर में सर बहुत ज्यादा अपने पीक पर है, चरम पे है, परेशान है। ये बात तो सही कह रहे हैं, मतलब गर्मी ने तो बेहाल करके रखा हुआ है, जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार के अंदर, तो बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी से लोगों की करीब 60 लोगों के आसपास की मृत्यु हो चुकी है, तो वाकई में ये गर्मी जो है इस बार जो है परेशान कर रही है। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा प्रश्न है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। अभी इसमें मैंने थोड़ा अपना पोजीशन बनाया था, लास्ट वीक में ही 14,000 शेयर लिए हैं। 14,000 जानना चाह रहा हूँ। 14,000 हाँ, 14,000 शेयर आपने लिए, और किस रेट पर लिए सर? मैं लिया हूँ इसको 52.50 के रेट पर सर। चलिए, इतनी बड़ी पोजीशन इलेक्शन के नजदीक आप आकर के, जब इतनी वोलेटिलिटी बाजार में आप देख रहे हैं, तो फिर इतने ज्यादा बहादुर बनने का निर्णय क्यों लिया आपने? और हम लोग अपने कार्यक्रम में लगातार कह रहे हैं कि चुनाव के इर्द गिर्द जो है बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, अनिश्चितता बढ़ेगी, और बाजार में रही भी वैसी स्थिति। सर एक उम्मीद के चलते पोजीशन लिया है सर। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपने ले लिया है, अब तो ले लिया है। पूछते हैं जरा अरुण सर से क्या वो सलाह दे रहे हैं। 53.5 के आसपास आपने लिया है, और ये अभी 49.50 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपए आपको नुकसान में हैं आप। पिछले एक महीने में शेयर करीब 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में 11.5% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और अगर पूरे साल की बात करें तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब आगे की दिशा क्या रहेगी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, एक ही बार में इन्होंने 14,000 शेयर ले रखे हैं, और वो भी 53 रुपए के भाव पर, आपकी स्टडी क्या कह रही है, क्या करना चाहिए इन्हें? विपुल जी, हाल ही में इसमें एक मर्जर डीमर्जर हुआ था, एक उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज करके कंपनी, होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी, उनके शेयर धारकों को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर मिले, एक शेयर के बनिस्पत 11.6 शेयर मिले हैं, उनको एक आर्बिट्राज का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, उसको लेकर शेयर में एक थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो अपने जो शेयर कन्वर्ट होकर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के उनको शेयर मिले, उसमें आर्बिट्राज होने के कारण एक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मेरे ख्याल से ये अगले 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसके शेयर भी अब लिस्टेड हैं, आगे जाकर ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। तो बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कंपनी ने 1.5 रुपए का इस साल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये शेयर के जो बैंक और उसका प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है, आगे जाकर इसका भाव ठीक हो सकता है। टेम्पररी जो दबाव है वो ये मर्जर और डीमर्जर को लेकर है। ठीक है, तो इस बीच आपको बता दें कि करीब जब ये कार्यक्रम हम लोग प्लान कर रहे थे, तो दुविधा थी कि पता नहीं शनिवार को दर्शक देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 600 से ज़्यादा दर्शक जो है लाइव खाली YouTube पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे Facebook पर, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वीकेंड के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हो सके तो इस लिंक को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक तक जो है इस कार्यक्रम की पहुँच जो है वो पहुँच सके, और जो रील्स के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है बाज़ार के बारे में को लेकर के, वो उससे लोग बच पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र यादव जी का सवाल तो खाली अदानी पावर के ऊपर है, इन्होंने अदानी पावर के 260 शेयर लिए हुए हैं 281 के भाव पर, और कह रहे हैं एक साल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर, मेरा सवाल ये, कल जो एकदम से तेज़ी आई अदानी के शेयरों में, मतलब ये अनयूजुअल मूव था, बहुत सारे लोग बाजार के जो एक जो सुगबुगाहट का थी बाजार में कि क्या ये गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, इसकी वजह से अदानी में और PSU में लास्ट टाइम पे एकदम से बाइंग देखने को मिली। हालांकि अदानी पर जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी, उसका भी असर कह सकते हैं, लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे, और अदानी पावर पे और अदानी समूह पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और आपका पसंदीदा अदानी का कौन सा शेयर है? देखिए, जहां तक अदानी समूह की बात करें, तो जो एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हुआ था, जो हिंडनबर्ग का एक अटैक शुरू हुआ था, वो काफी हद तक वो सब जो नेगेटिविटी थी वो खारिज हो चुकी है। उसके बाद में पॉलिटिकल बहुत बड़ा इसका एक रेपरकर्शन इंडिया में शुरू हुआ था कि मोदी जी के ऊपर अडानी अंबानी को लेकर, वो भी मेरे ख्याल से काफी हद तक खत्म हो चुका है। कल जो एक देखने को मिला है,
आप इसे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कहिए, आप इसे एक वैलिडेशन कहिए, पहला दिन था नए फ्यूचर्स के सीरीज का, उसको लेकर एक स्पष्टीकरण करने का तरीका हुआ कि भाई जो मौजूदा सरकार है वही वापस आने वाली है, ये सब चीज को लेकर हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसके अंदर में कुछ देखने की बात नहीं है, सिर्फ इतना कि अडानी ग्रुप के समूह के जो शेयर हैं वो अपनी चाल पे मौजूद है, उनका प्रदर्शन अच्छा है और सब ठीक ठाक चल रहा है। जहां तक मेरा सबसे पसंदीदा शेयर कौन सा है, अगर आप अडानी के ऊपर बेट करना चाहते हो कि आगे जाकर ये समूह आगे बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उसकी जो होल्डिंग कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, वो सबसे बेस्ट बेट कही जा सकती है, क्योंकि इनके जितने नए बिजनेसेस हैं सब इसी में मौजूद है और जो नए हीरे इस ग्रुप से निकलेंगे वो इसी कंपनी के हिस्से हैं और वो इसी में से निकलकर बाहर आएंगे। जी, चूंकि इनका सवाल भी हम ले लेते हैं सर, अदानी पावर पे इनका प्रश्न था, 281 पे इन्होंने लिया हुआ है और अदानी पावर में कल हमने देखा करीब 9% की तेजी देखने को मिली और अब 760 पे है, इन्होंने 281 पे लिया हुआ है, तो अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं। इस शेयर ने पिछले एक महीने में करीब 25%, 6 महीने में 72% और पूरे साल भर की बात करें तो करीब करीब 200% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी यहाँ पे क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी बने रहें, क्योंकि एक साल का इनका नज़रिया है? देखिए, एक साल के नजरिए में उतार चढ़ाव सब आएंगे, क्योंकि इतना शानदार रिटर्न कंपनी ने एक साल में दिया है तो हो सकता है पॉलिटिकल कुछ भी होता है तो इसमें करेक्शन भी ड्यू हो जाता है और करेक्शन आएगा भी। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते तो सोमवार को देखकर आप थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं और जब नई सरकार का अनाउंसमेंट मंगलवार को या उसके बाद हो जाता है तब आप वापस अपॉर्चुनिटी देखकर इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। ठीक, इस बीच सुमित चौधरी जी का सवाल ले लेते हैं, कोलकाता से हैं और इनका सवाल जो है टीटागढ़ के ऊपर है, टीटागढ़ रेल के ऊपर है। इन्होंने 888 पे 15 शेयर ले रखे हैं, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और टीटागढ़ के साथ साथ मैं ओवरऑल रेलवे पर शेयरों पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। जुपिटर आपकी रिकमेंडेशन रही है, बाकी IRFC है, RVNL है, इस पर जो टीटागढ़ रेल है जिस पर इनका सवाल आया है, क्या व्यू निकल करके आ रहा है सर आपका, अभी क्या करना चाहिए? टीटागढ़ रेल में फ्राइडे को काफ़ी अच्छी रैली भी रही, 4.25% के आसपास की मजबूती रही, ओवरऑल रेलवे पर आपका व्यू और अलग से टीटागढ़ पर। विपुल जी, रेलवे क्षेत्र में जो वैगन्स का काम है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे फ्रेट वैगन हो, चाहे वो स्पेशलाइज्ड फ्रेट वैगन्स है जैसे कि जिसमें लिक्विड कैरी किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट किया जाता है, इसमें सरकार लगातार बढ़ाव दे रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रही है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर को अपनी खुद की वैगन फ्रेट ट्रेन रखने का परमिशन दिया गया है, जैसे कि आज आप बड़ी कंपनियों की बात करें तो उनके पास में खुद की वैगन्स होती हैं, फ्रेट ट्रेन्स होती हैं जो वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं। कहने का तात्पर्य ये विपुल जी कि भारतवर्ष में रेलवे में बड़ा खर्च किया जा रहा है, जब ये खर्च हो रहा है तो रेलवे को ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो उनकी कुछ कंपनियां हैं जैसे RVNL है, इरकॉन है, उनकी मदद लगती है ये प्रोजेक्ट्स करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी ये प्रोजेक्ट्स करती हैं, बट रेलवे की भी खुद की कंपनीज है जो ये काम करती है और इनको जो फाइनेंस चाहिए वो जुटाती है IRFC। तो रेलवे का भी ये एक जो कहते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। अगर मौजूदा सरकार वापस आती है तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जो क्षेत्र है इनमें निवेश जारी रहेगा, कहीं पर भी कमी नहीं आएगी और इनका ऑर्डर फ्लो, काम का जो
तरीका है करने का, ये सब में वृद्धि देखी जाएगी। ठीक सर, तो चाहे वो टीटागढ़ वैगन हो जी, या जो भी आप रेलवे वैगन से संबंधित कंपनी है, सबकी ग्रोथ सरकार और आने वाले सरकार से डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं राजीव, वो राजीव जी जानना चाह रहे हैं टेक्समैको इंफ्रा के बारे में। इन्होंने 109 रुपए की इनकी खरीद है, हालांकि शुक्रवार को इस शेयर में 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, 114 115 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको 4-5 रुपए का प्रॉफिट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में अच्छी चाल भी देखने को मिली है, करीब 17% के आसपास की रैली यहां पर देखने को मिली है। आपकी क्या राय रहेगी सर कंपनी के ऊपर? जो है फरवरी में खबर आई थी कि कंपनी 150 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाने की भी योजना बना रही है, आप कैसे देख रहे हैं टेक्समैको इंफ्रा? देखिए, जो वैगन की जो कंपनियां हैं जिनकी आप बात करते हैं, टेक्समैको उनमें लोअर रंग पे आता है, इसका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर है बनिस्पत जुपिटर या टीटागढ़ के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से इसमें रैली जरूर आई है। इसी की एक कंपनी है जिसके पास एक बड़ा लैंड पार्सल है जिसका सौदा होने की बात चल रही है। वो सौदा कब होगा, बुक्स में कब रिपोर्ट किया जाएगा, शेयर होल्डर को बेनिफिट कब मिलेगा, ये काफी समय से बात चलती जा रही है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। लेकिन जैसे कहते हैं कि ये स्लो और लैगार्ड तरह का एक कंपनी है वैगन बिल्डिंग क्षेत्र में जी, तो क्या करना चाहिए इनको? 4-5 रुपए मिल रहे हैं तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करें? तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख लें जिससे कि प्रॉफिट से लॉस में न जाए। बिल्कुल, प्रॉफिट से लॉस में मत जाएगा। चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे हैं किंग फैशन के नाम से, कह रहे हैं कि मेरे पास टाटा पावर है, अभी 349 के रेट पर लिया हुआ है, 200 क्वांटिटी है, मुझे अभी क्या करना चाहिए? सर पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, NTPC NHPC पे बात हो गई, टाटा पावर पे सवाल है, अदानी पावर पे बात हो गई, और एक मैं चाहूँगा अगर छोटी टिप्पणी SJVN और इरिडा को लेकर के भी हो जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल आते हैं, तो पूरा पावर पैक हमारा कवर हो जाएगा। टाटा पावर इन्होंने 349 के रेट पर लिए हुए हैं 200 शेयर। टाटा पावर विपुल जी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ पावर या ऊर्जा जनरेट नहीं करती, ये भी सोलर पावर में है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का काफी कुछ काम कर रही है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसने डाइवर्सिफिकेशन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है अलग अलग जगह पे भी उसका काम किया है। वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो जो इको फ्रेंडली जो मेजर्स हैं वो भी कंपनी लेती है, ये एक अच्छी कंपनी है हर तरह से। और इसके जो एक एक तकलीफ थी मुंद्रा के प्लांट में, क्योंकि वहां पर इंपोर्टेड कोल से उत्पादन किया जाता था बिजली का, वो भी काफी हद तक दूर हो चुका है, और इसने जो इंडोनेशियन माइंस में इन्वेस्ट किया था उसके लिए कुछ जहाज खरीदे थे, वो सबसे निकलकर अब जिसे कहते हैं कि थोड़ा इसने अपनी बैलेंस शीट को भी हल्की करी है, और अब ये सब चीज टर्न अराउंड है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में अगर कोई टाटा पावर में निवेश करता है या निवेशित है, ये एक स्टेडी रिटर्न वाली कंपनी मानी जा सकती है। जो आपने दूसरे दो कंपनियों की बात की, SJVN रिन्यूएबल एनर्जी, शुरू हुई थी ये कंपनी हाइड्रो पावर को लेकर, अब ये कंपनी भी सोलर पावर विंड पावर का काम करती है और एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। जहां तक इरिडा का सवाल है, ये एक फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर क्षेत्र की कंपनियों को लोन देती है, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर को देती है, और एक अच्छा प्रदर्शन इसका जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी तब से इसने देखा है। 32 रुपए में शेयर आया था, ऊपर में 250 रुपए के आसपास पहुंच गया था, अभी करीब 180-190 रुपए के आसपास चलता है। शेयर थोड़ा सा महंगा है बनिस्पत ये कि ये भी एक बैंकिंग क्षेत्र का शेयर माना जा सकता है, जो पावर क्षेत्र को
खास करके लोन देता है, लेकिन जो इसे बैंकिंग क्षेत्र का शेयर न समझ के इसे भी पावर क्षेत्र का शेयर बाजार मान रही है, जो मेरे ख्याल से कुछ हद तक एक गलती माननी चाहिए बाजार की।